भारत के हार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट दिग्गजों ने अपनी ही टीम को लगाई जमकर फटकार। कोई कह रहा है कप्तान बदलो, तो कोई कह रहा है पूरी टीम बदलो, तो कोई बाबर को विराट का जूते से कंपेयर कर रहा है। हार के बाद पाकिस्तानी क्रिकेट दिग्गजों के क्या बयान आ रहे हैं और किस तरह से अपनी टीम पर बवाल काट रहे हैं। जी हां, बात कर रहे हैं T20 वर्ल्ड कप 2024 के एक बहुत बड़े मुकाबले की। एक ऐसा मुकाबला जिसको पाकिस्तान डोमिनेट कर रहा था, लेकिन एक बार फिर पाकिस्तान के लिए वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, और बदले भी कुछ ऐसे कि जो मुकाबला पाकिस्तान ड्राइविंग सीट पर था, जिस मुकाबले को पाकिस्तान रिलैक्स होकर कह रहा था कि हम बड़े आराम से 10 विकेट से एक तरफा जीतेंगे, और इनफैक्ट कुछ पाकिस्तानी तो सेलिब्रेट भी करने लगे। लेकिन उसके बाद जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या, मोहम्मद सिराज, भारतीय गेंदबाजी लाइनअप की वो गेंदबाजी जिसने पाकिस्तान के बल्लेबाजों के परखच्चे उड़ा दिए और मुकाबले को एक तरफा जीत लिया। क्रिकेट इतिहास में आज तक 120 का स्कोर किसी भी टीम ने T20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर डिपेंड किया तो वो एक श्रीलंका थी, और अब संयुक्त रूप से भारत भी उस पहले पायदान पर आ गई है। इन दोनों ने 120 के स्कोर को डिफेंड किया, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ 120 के स्कोर को डिफेंड करना अनबिलीवेबल है। इतिहास इस बात का गवाह है कि T20 वर्ल्ड कप में अगर किसी एक टीम ने विपक्षी टीम के खिलाफ सर्वाधिक जीत हासिल करी है तो वो भारत है, और वो पाकिस्तान के खिलाफ है, 7 जीत हासिल करी, और आज तक कोई भी टीम वर्ल्ड कप जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर ऐसा नहीं कर पाई है। और इस मुकाबले के बाद पाकिस्तान के दिग्गजों के गुस्सा, या यूं कहें तो उनके बयान आने स्वाभाविक है, लेकिन जो बयान अब आ रहे हैं उससे पता चल रहा है कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बर्बाद होने जा रहा है। बयान कुछ ऐसे आ रहे हैं जिसे देखकर हर भारतीय हैरान है, तो चलिए आइए आपको बताते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इंडियन फैंस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में अपने फेवरेट खिलाड़ी का नाम कमेंट कर दें, आप जिसे सबसे बड़ा एक्सपेक्टर इंडिया के लिए मानते हैं और पाकिस्तान को क्या सजेशन देना चाहेंगे। अब देखिए पाकिस्तान के तमाम दिग्गज खिलाड़ियों के रिएक्शंस है, एक एक करके जानेंगे तो वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले तो जानते हैं ना पाकिस्तान के कोच गैरी कस्टन किस तरह से सदमे में है और उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हम हारे तो हारे कहां। गैरी कस्टन ने बताई पाकिस्तान के हार की वजह। गैरी कस्टन ने अपने इंटरव्यू में कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये सभी खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है और वे जानते हैं कि जब वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर रहे होते हैं तो उन पर दबाव आता है, ये समझ में आता है। लेकिन इनमें से बहुत से खिलाड़ियों ने कई वर्षों तक दुनिया में बहुत सारा T20 क्रिकेट खेला है और यह उन पर निर्भर करता है कि वे खेल को कैसे आगे ले जाते हैं। साफ तौर पर वो कह रहा है कि क्रिकेट के मैदान पर खिलाड़ियों पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से खेलते हैं, न कि कोच पर। कस्टर ने कहा कि बल्लेबाज को सिंपल मैसेज था कि वे बाउंड्री की तलाश करें और ढीली गेंदों का फायदा उठाएं भारत के खिलाफ। पाकिस्तान के कोच का मानना है कि उनके खिलाड़ियों ने 15 ओवर तक तो अच्छा प्रदर्शन किया जहां मुकाबले में थे, लेकिन जैसे ही एक विकेट गिरने के बाद स्ट्राइक रोटेट करना भी बंद हो गया और खुद को पाकिस्तान ने मुश्किल स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। कोच ने कहा, देखिए मैसेज यही था कि कुछ हम बाउंड्री की तलाश करें, ढीली गेंदों का फायदा उठाएं, कोशिश और सुनिश्चित करें कि आप पारी के दौरान अधिक से अधिक रन बना सके। और मुझे लगता है कि हमने 15 ओवर तक तो शानदार तरीके से किया, लेकिन बाद में नहीं हो पाया जिसकी वजह से हम हार गए। वहीं पर पाकिस्तान के दिग्गज खिलाड़ी शोएब अख्तर भी आंखों में आंसू लिए अपना दर्द बयां करते हुए नजर आए। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने भारत के खिलाफ मिली हार के बाद प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा, जैसा कि आपने देखा और मैं जानता हूं कि आप निराश हैं, पूरा देश निराश है, मनोबल टूटा हुआ है। मैंने पहले भी कहा कि मैच की शुरुआत में क्या पर्सनल गोल मायने नहीं रखते हैं, आपको एक दूसरे के लिए और देश के लिए खेलना होगा, आपको ये दिखानी होती है कि हमें मैच जीतना है। मुझे इस पाकिस्तानी क्रिकेट में वो जीतने का स्पिरिट ही नजर नहीं आया, वो पाकिस्तान नजर ही नहीं आ रहा है जिसके लिए वो जाने जाते हैं, पता नहीं इस टीम के साथ क्या हो गया है। और अब शोएब अख्तर ने साफ तौर पर स्वीकार किया है कि पाकिस्तान सुपर 8 में जाने का हकदार ही नहीं है, पाकिस्तान ये डिजर्व ही करता है कि वो यहीं से बाहर हो जाए। तो वहीं पर पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी वसीम अकरम के बदल चुके हैं सुर, उन्होंने साफ तौर पर अपने खिलाड़ी और कप्तान को जमकर फटकार लगाई है।
जी हाँ, इशार के बाद अक्रम ने कहा, कमाल की बात है इनमें से ज्यादातर खिलाड़ी 10-15 साल से खेल रहे हैं, क्या इन्हें अभी भी ये सिखाने की जरूरत है कि कैसे खेलना है? जिम्मेदारी लेकर नहीं खेलना बहुत ही गलत बात है। मैं रिजवान को नहीं बताऊंगा कि बुमराह बॉलिंग पर वापस आया हो तो वो विकेट लेने के लिए आया है, क्योंकि वो टीम का मुख्य गेंदबाज है, उसे आराम से खेलो, 2-4 रन सिंगल ले लो। वसीम अकरम गुस्से में लाल हुए और कहा कि मेरा ये वीडियो वायरल हो जाए तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, खराब खेले हैं, इनके साथ ये सलूक होना जरूरी है, इन्हें टीम से बाहर कर देना चाहिए, पूरी पाकिस्तान की नई टीम को खिला देना चाहिए। जी हाँ, वो मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम इन सबको बाहर करने की बात वसीम अकरम जैसा दिग्गज लेजेंडरी कर रहा है। उन्होंने कहा 15 साल हो गए हैं यार, ये इफ्तिकार अहमद को कहा मैं ये सिखाऊं कि क्रिकेट कैसे खेलना है, वह सिर्फ लेग साइड पर ही खेलता है, उसे पता ही होना चाहिए ना कि सभी डेटा देखते हैं, वे इन चीजों को बेहतर समझें कि वो शॉर्ट ऑफ साइड पर भी सीख सकते हैं। कई सालों से खेल रहे हो लेकिन अब आपको ये सिखाने की जरूरत पड़ जाती है। वसीम अकरम साफ तौर पर अपनी पूरी टीम से नाराज है, इस टीम को हटाइए, नई टीम लेकर आइए, कम से कम नए लड़के कुछ सीखेंगे तो सही। लेकिन शाहिद अफरीदी जो पाकिस्तान के लेजेंडरी कहे जाते हैं, उनकी तरफ से भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि सारी चीजें की जिम्मेदारी मैंने भी कप्तानी की हुई है और कप्तान होता है, आपका कप्तान लीडर होता है जो आपको सबके साथ लेकर चलता है। या तो कप्तान टीम का माहौल खराब कर देता है या कप्तान टीम को बना देता है, कोच वगैरह बाद में आता है लेकिन मैन जो होता है वो कप्तान होता है, कप्तान एक यूनिट बनाता है। साफ तौर पर शाहिद अफरीदी बाबर आजम की कप्तानी पर सवाल उठा रहे हैं कि ये किस तरह की कप्तानी करी आपने, आपने 120 के स्कोर का पीछा करते हुए, बिल्कुल आपकी खराब बल्लेबाजी है। इसी को लेकर तो बाबर आजम की तुलना जो विराट कोहली से करते हैं उस पर पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आए। दानिश कनेरिया ने जो बयान दिया उसने हर किसी को हैरान कर दिया। दानिश कनेरिया ने कहा बाबर आजम की बहुत बात करते हैं लोग, जैसे ही वो शतक लगा देता है तो लोग उसकी तुलना विराट कोहली से करने लगते हैं। अरे भाई, जूते के बराबर भी नहीं आता है वो विराट के, ये यूएस के बॉलर को फंसा कर रख दिया इन पाकिस्तान को, तो फिर वो भारत के सामने कैसे जीत जाते। दानिश कनेरिया ने साफ तौर पर पाकिस्तान के बाबर आजम को विराट के जूते से कंपेयर कर दिया और कहा कि जूते के बराबर भी नहीं है। ये दिग्गजों के बयान आ रहे हैं। और उधर इरफान पठान ने भी पाकिस्तान पर टिप्पणी करी है और मानो पाकिस्तान के जले पर थोड़ा नमक छिड़का है। वैसे तो सोशल मीडिया पर इरफान पठान भी एक्टिव रहते हैं और इरफान पठान ने कहा एक्स पर ट्वीट करते हुए, पाकिस्तान के सभी ईमानदार फैंस को, आपकी टीम को इस मैच में कई जगहों पर अच्छा खेला है, बस फिनिश लाइन पार नहीं कर सके, बल्लेबाजी थोड़ी कमजोर है, अगर पिच में थोड़ी भी मदद हो तो इस बल्लेबाजी क्रम के साथ हमेशा आपकी परेशानी बनी रहेगी, फील्डिंग तो खैर बहुत खराब रही ही है जिसकी हम चर्चा ही नहीं करेंगे। तो कुछ इस तरह से पाकिस्तान के दिग्गजों के रिएक्शन आए हैं, लेकिन इस बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं।